सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में। आज हम फिर से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो इसी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रोविजन रिगार्डिंग विथड्रॉवल ऑफ सपोर्ट इज स्टिपुलेटेड इन कोल माइन रेगुलेशन नंबर। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है रेगुलेशन नंबर 111, ऑप्शन बी है रेगुलेशन नंबर 110, ऑप्शन सी है रेगुलेशन नंबर 109 और ऑप्शन डी है 112। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है वो है जब रेगुलेशन चेंज नहीं हुआ था 2017 तब का है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 110 है पुराने वाले रेगुलेशन का, लेकिन नए वाले में ये है 125 सपोर्ट खोलना, इसी में दिया गया है 125, रेगुलेशन नंबर 125 सही हो जाएगा, और 124 में है सपोर्ट लगाना, तो इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P5 एक्सप्लोजिव आर यूज्ड फॉर। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ओपन कास्ट ब्लास्टिंग, ऑप्शन बी है ओवरबर्डन ब्लास्टिंग, ऑप्शन सी है सॉलिड ब्लास्टिंग, ऑप्शन डी है प्री कट ब्लास्टिंग। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि P5 एक्सप्लोजिव का यूज़ हम सॉलिड ब्लास्टिंग में करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन थ्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है इसमें। तो ऑप्शन है, ऑप्शन एक पार्किंग ब्रेक इज टू बी यूज्ड व्हेन द डंपर इज इन मोशन, ऑप्शन बी पार्किंग ब्रेक इज टू बी टेस्टेड विद डंपर इज इन फुल लोड, ऑप्शन सी है पार्किंग ब्रेक इज टू बी टेस्टेड विथ डंपर इन इज इन एम्प्टी पोजिशन, और ऑप्शन डी है पार्किंग ब्रेक इज टू बी टेस्टेड एट मैक्सिमम ग्रेडियंट परमिटेड फॉर एटलीस्ट 10 मिनट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन थ्री, पार्किंग ब्रेक इज टू बी टेस्टेड विथ डंपर इज एम्प्टी पोजिशन। पार्किंग ब्रेक की जांच तब की जाती है जब डंपर खाली स्थिति में हो। अगला क्वेश्चन है, इफ द माइन वेयर 1600 पर्सन आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड द नंबर ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर रिक्वायर्ड अज पर अज रूल 29Q ऑफ माइंस रूल 1955। 1955 जो रूल है उसके रूल नंबर 29Q के अनुसार यदि खान में 1600 व्यक्ति को रोजगार पर रखा जाता है तो उसमें वर्कमैन इंस्पेक्टर की संख्या कितनी होगी ये पूछा है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन एक है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितने वर्कमैन इंस्पेक्टर होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री हो जाएगा 4, क्योंकि 1500 तक का 3 वर्कमैन इंस्पेक्टर होते हैं, एक माइनिंग का, एक इलेक्ट्रिकल का और एक मैकेनिकल का, तो 1500 के बाद प्रति 1000 पे एक बढ़ जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री 4। नेक्स्ट है, साइड डिस्चार्ज लोडर SDL इज अ, SDL टायर माउंटेड है या क्रॉलर माउंटेड ये बताना है इसमें। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन एक है क्रॉलर माउंटेड मशीन, ऑप्शन बी है टायर माउंटेड मशीन, ऑप्शन सी है रेल माउंटेड मशीन और ऑप्शन डी है बोथ 1 और 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SDL, आप सभी देखे होंगे तो आप जानते होंगे क्रॉलर माउंटेड मशीन होता है। नेक्स्ट है, इन सॉलिड ब्लास्टिंग व्हाट इज द मैक्सिमम चार्ज पर होल अज पर CMR 1957। तो जैसा कि मैं पहले बताया हूँ कि ये जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये 1957 रेगुलेशन के अनुसार है, जो कि मैं इसको करेक्ट किया हूँ अपने हिसाब से, इसका आंसर में कोई गलती नहीं होगा, तो इसके लिए आप चिंता ना करें।
नया रेगुलेशन के अनुसार से ही मैं आंसर आपको दूंगा। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है, पहला है 365 ग्राम, ऑप्शन बी है 465 ग्राम, ऑप्शन सी है 265 ग्राम और ऑप्शन डी है 565 ग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिमम चार्ज इन सॉलिड ब्लास्टिंग। तो इसका राइट आंसर होगा 565 ग्राम। ये सेकेंड और थर्ड डिग्री का है। 565 ग्राम जो है, फर्स्ट डिग्री में 1000 ग्राम यूज़ करते हैं। क्वेश्चन में ऐसे डिग्री बोला नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन ओपन कास्ट माइंस व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉट्स टू बी फायर्ड बाय शॉट फायरर विथ मल्टी शॉट एक्सप्लोजर। ओपन कास्ट माइंस में मल्टी शॉट एक्सप्लोजर से कितना होल ब्लास्ट किया जाएगा? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन एक है 100, ऑप्शन बी है 120, ऑप्शन सी है 140 और ऑप्शन डी है 150। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 120। नेक्स्ट है, व्हेन 30 और मोर पर्सन आर एम्प्लॉयड इन अंडरग्राउंड माइंस और डिस्ट्रिक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड डिग्री, व्हाट नंबर ऑफ शॉट शैल बी फायर्ड बाय द शॉट फायरर हैविंग ओनली शॉट फायरर सर्टिफिकेट बाय सिंगल शॉट एक्सप्लोडर। जब किसी अंडरग्राउंड माइंस में सेकेंड और थर्ड डिग्री के किसी डिस्ट्रिक्ट में 30 या उससे अधिक व्यक्ति काम पर लगाए जाते हैं तो केवल सिंगल शॉट एक्सप्लोडर पर कितना शॉट एक्सप्लोड किए जाएंगे वो पूछा है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन एक है 20, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 30 और ऑप्शन डी है 40। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 40। द कैप लैंप यूज्ड बाय द माइनर इज, कैप लैंप का यूज पूछा गया है। खनिकों द्वारा प्रयुक्त कैप लैंप होता है, कैप लैंप क्या होता है इसका आंसर देना है। इसके ऑप्शन है इलेक्ट्रिकली सेफ, ऑप्शन बी फ्लेम प्रूफ, ऑप्शन सी है नाइदर इलेक्ट्रिकली और सेफ और नॉट नॉर फ्लेम प्रूफ, ऑप्शन डी है कैपेबल टू प्रोड्यूस्ड स्पार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा नाइदर इलेक्ट्रिकली सेफ और फ्लेम प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटिस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन अंडर 29D ऑफ माइंस रूल 1955 शैल बी गिवन इन फॉर्म। मेडिकल एग्जामिनेशन का जो नोटिस देते हैं वो कौन से फॉर्म में देंगे? इसका जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है फॉर्म एम, ऑप्शन बी है फॉर्म एन, ऑप्शन सी है फॉर्म क्यू और ऑप्शन डी है फॉर्म आर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फॉर्म एम में देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर डीजीएमएस सर्कुलर फाइंड द मिनिमम विड्थ ऑफ द बेंच विद द फॉलोइंग डाटा। तो ये डाटा वाला क्वेश्चन है, ये आपको खुद से करना पड़ेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं और इसी तरह की वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।